हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियोवी न्यूज़। तो वक्त हो गया है दोपहर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि किसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दोपहर की बड़ी खबरें। कल्याण विभाग का बड़ा ऐलान, 10वीं पास कर चुकी 10 लाख छात्राओं को मिलेगी साइकिल। खबर है कि झारखंड के कल्याण विभाग ने बयान जारी करके कहा है कि 8, 9 और 10 कक्षा में पहुंच चुकी छात्राओं को पीएल खाते की राशि से साइकिल दी जाएगी। जो छात्र 2020-21 सत्र में थे और 10वीं पास कर चुके हैं, इस बार उन्हें साइकिल मिलेगी। इस बार एक साथ 10 लाख छात्राओं को साइकिल दी जाएगी। भारत में 92% डिलीवरी अस्पतालों में, पहले घर पर होते थे 74% प्रसव। खबर है कि भारत में 92% डिलीवरी अस्पतालों में अब हो रही है, 40% डिलीवरी प्राइवेट अस्पतालों में हो रही है। 30 साल पहले देश में 74% प्रसव घर पर होते थे, तब स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के चलते 1000 बच्चों में जन्म पर 80 बच्चों की जान चली जाती थी। 1 लाख बच्चों के जन्म पर 437 महिलाएं दम तोड़ देती थी। नितिन गडकरी ने कहा, 1 अप्रैल से कबाड़ में बदल जाएंगे 15 साल पुराने 9 लाख सरकारी वाहन। खबर है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 15 साल से पुराने 9 लाख सरकारी वाहनों को 1 अप्रैल के बाद सड़क पर चलाने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये वाहन केंद्रीय और राज्य सरकारों, परिवहन निगमों व सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में लगे हुए हैं। इसके साथ ही नए वाहनों को लाने के प्रस्ताव को मंजूरी भी दी गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का ऐलान, एमपी के मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को मिलेंगे 5 लाख रुपए। खबर है कि एमपी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि प्रदेश के बच्चे पदक जीतकर जो आएंगे उन्हें 5 लाख पुरस्कार दिया जाएगा, जिससे उन्हें अगले खेलों की तैयारी में दिक्कत न हो। पिछले खेलो इंडिया गेम्स में एमपी के 38 खिलाड़ियों ने पदक जीते थे। दिल्ली में बीजेपी मार्च से शुरू करेगी जन आंदोलन यात्रा, केजरीवाल सरकार की खोलेगी पोल। दिल्ली में लोकसभा और विधानसभा को लेकर बीजेपी ने अभी से ही कमर कस ली है। पार्टी मार्च से पूरे दिल्ली में जन आंदोलन यात्रा निकालेगी। इस जन आंदोलन के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता मोदी सरकार के कामों को जनता के सामने लेकर जाएंगे और केजरीवाल सरकार की नाकामी और झूठ को जनता को बताएंगे। उत्तराखंड ने रचा इतिहास, गणतंत्र दिवस की झांकी को देश में मिला प्रथम स्थान। खबर है कि उत्तराखंड की झांकी मानस खंड को देश में प्रथम स्थान मिलने से इतिहास में उत्तराखंड प्रदेश का नाम दर्ज हो गया है। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि के लिए प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह उपलब्धि हम सबके लिए गौरवशाली पल है। इस बार झांकी पर टाइटल मानस खंड सीएम धामी ने ही सुझाया था। अमेरिका ने यूक्रेन को दिया बड़ा झटका, F-16 लड़ाकू विमान देने से किया इनकार। खबर है कि रूस यूक्रेन लड़ाई में अमेरिका ने लगातार यूक्रेन की मदद की है, कभी वित्तीय सहायता देकर तो कभी हथियार और टैंक देकर। लेकिन अब अमेरिका ने यूक्रेन को एक बड़ा झटका देते हुए F-16 लड़ाकू विमान देने से साफ इनकार कर दिया है। इससे एक दिन पहले ही जर्मनी भी यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने से इनकार कर चुका है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोवी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।